सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए अहम बैठक किया गया। मुंगेर जिला के असरगंज प्रखंड के सभागार कक्ष में तारापुर विधायक राजीव कुमार, असरगंज प्रखंड के प्रमुख राजेश कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी तानिया कुमारी, असरगंज प्रखंड के मुखिया और पंचायत समिति सभी जन प्रतिनिधि के साथ बैठक किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार सरकार पंचायती राज विभाग सरकार की सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र, पीडीएस की दुकान, प्रधानमंत्री आवास, नल जल की स्कीम, सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। आंगनवाड़ी केंद्र सही समय पर खुलना और बंद होना, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार चलना चाहिए। डीलर लाभुक को एक अच्छी तरीके अनाज का वितरण किया जाए। अगर कोई डीलर लाभुक को अनाज कम देता है या शिकायत मिलता है, उस डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंचायत में चल रहे हर योजनाओं के एवं विकास की विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। समस्या उठाया गया है, क्या कहना है सर? समस्या जो उठाया गया, समस्या के लिए ही बैठक होती है और समस्या पर ध्यान हम लोग निर्देश दिए हैं कि जो समस्या है उस पर ध्यान दे करके उसको मतलब जो है समस्या का निदान करने का कोशिश करेंगे हम लोग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है जो पीएचडी ने जो टेक ओवर किया है, बीआरडी की जो नल जल योजना है, उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। लोग शिकायत किसको करें ये समझ नहीं पाते हैं। उस पर हम लोग तो अपने स्तर से जो है, अगर जो हमको मालूम होता है कि फलाने जगह ये प्रॉब्लम है, तो हम अपने स्तर से भी दूर करने का कोशिश करते हैं। जो हमारे संज्ञान में नहीं है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। चाहे अभी तक जितना भी तारापुर विधानसभा, केवल असरगंज की बात हम नहीं करते, तारापुर विधानसभा में जितने भी जल नल जल का जो व्यवस्था जो इधर से उधर हुआ है, यानी पीआरडी से जो गया है पीएचडी में, उसके बारे में हमको जो भी संज्ञान में दिया उस पर हम कार्रवाई की। कार्रवाई करने का मतलब उसको ठीक करवाया। बीते 3 महीना से सर आशा जोरारी में सर वो मुझे मालूम नहीं था। आशा जोरारी के सर भाव बंद पड़ा हुआ है। आशा जोरारी के जो मुखिया जी हैं, पूछिए इनसे, इन्होंने कभी हम पे से संपर्क किया? तब ना ऊपर के पदाधिकारी, नीचे स्तर के पदाधिकारी से ये सब नहीं होता। ये ऊपर के पदाधिकारी को कहेंगे वहाँ पीआरडी में क्या है, पीआरडी में जो पंचायत के तरफ से हुआ है और फिर पीएचडी को सुपुर्द किया, तो दोनों में मतलब है। पीएचडी कहता है कि मतलब हम आपसे देखेंगे, और वहाँ जो पानी पीने वाला उसको तुरंत चाहिए, उसमें बिजली की समस्या होती है। बिजली की समस्या का मतलब है उसको रिचार्ज कराएगा तब ना मतलब पानी चलेगी मोटर। तो हम लोग जो है ऊपर से कहते हैं दोनों मिल करके अपना पीएचडी और जो है विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता से बात होती है, वो लोग मिल करके उसकी व्यवस्था करते हैं। सर असरगंज पीएससी में महिला चिकित्सक की सर लंबे समय से सर अभाव है। उसके अभाव में सर अभी तक सर जैसे एनएम के सारे ही प्रसव हो रहा है। बैजलपुर और दो जगह हमारे यहाँ 100 के लगभग लोग आ जाती हैं 1 महीने के अंदर, तो डॉक्टर को सर अभाव, उस पर सर एक संजीदगी से डॉक्टर की प्रक्रिया, बहाली की प्रक्रिया चल रही है। बहाली होगी तो मिल जाएगा। वैसे मतलब जो है तारापुर में महिला चिकित्सक है, उसका तो रोटेशन के आधार पे जो है असरगंज में भी ड्यूटी है, टेटिया बम्बर में भी है। वो तो प्रेम लता केवल आउटडोर ड्यूटी करती हैं, वो नाइट शिफ्ट ड्यूटी नहीं करती हैं। कोशिश करेंगे कि उससे बात करेंगे, सीएस से ऐसा हो रहा है तो उसको